नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रीवा के सिटी प्लाजा मार्केट में। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, आज ये पूरा मार्केट बंद है और दुकानदार हालांकि दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट को पूरी तरह बंद किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि आज रीवा बंद रहेगा। यह इसलिए कि अभी गुड़ में हुई बड़ी घटना, एक महिला के साथ 8 लोगों ने जो दरिंदगी की, और रीवा में बढ़ रहे नशे के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने रीवा बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से रीवा जिले में बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, युवाओं में मेडिकल नशे का जो जाल फैला हुआ है, इसे पूरी तरह से बंद होना चाहिए। रीवा की बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज सड़क पर उतर चुकी है। प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह मंगू जी कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। बंद को लेकर क्या इनके उद्देश्य हैं और रीवा में किन सुधारों की बात कर रहे हैं? मंगू जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने रीवा बंद का आह्वान किया है, क्या मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा सीधा है कि हमारे रीवा शहर की जिले की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। भैरवबाद नाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर पति पत्नी घूमने गए हुए थे, दर्शन करने गए हुए थे, तो पति को पेड़ से बांधा गया। बांधने के बाद उसकी पत्नी के साथ 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। जब देश के अंदर, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, जब यूपी की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कैंडल मार्च करते हुए पूरा देश बंद कराने की बात करते हैं, अपने एनजीओ और सामाजिक संगठनों को आगे कर देते हैं, स्कूलों को वो बंद कराते हैं, उनके बच्चे और बच्चियों को आगे करते हैं। इतनी बड़ी घटना रीवा जिले के अंदर हो गई, अभी तक मोहन यादव का बयान नहीं आया, उप मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहाँ पे सरकारें उनकी होती है, वहाँ अगर इस तरह का कोई आंदोलन घटनाक्रम होता है तो वहाँ आंदोलन नहीं करते। जहाँ उनकी सरकारें नहीं होती, वहाँ वो आंदोलन करते हैं। रीवा के अंदर पुलिस प्रशासन है, अशोक चक्र मिला हुआ है, अशोक चक्र बगल में उनके कंधे पे लगा हुआ है, किसी के सामने लगा हुआ है, किसी के दिल के अंदर शपथ लेते हैं। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये रीवा शहर के अंदर कोरेस भिजवा रहे हैं। आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये शराब भिजवा रहे हैं। आज ये क्या कर रहे हैं? पूरे मेडिसिन का नशा भिजवा रहे हैं। ये किसके इशारे पे हो रहा है? यह शहर मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि राजेंद्र शुक्ला का यह विकास है। अगर राजेंद्र शुक्ला का यह विकास है, यह महानगर है जहाँ पे आधी से अधिक नौजवान बच्चे कोरेस के लिप्त में आ गए, आधे से अधिक नौजवान बच्चे शराब के लिप्त में आ गए, अगर इस तरह का महानगर की कंपना भारतीय जनता पार्टी की और विकास पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक। आपकी कांग्रेस पार्टी के ये राजन शर्मा जी कल प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पुलिस काम कर रही है और काफी नशे की सामग्री भी पकड़ी गई है, तो क्या मानना कि पुलिस काम कर रही है या फिर नहीं कर रही? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। राजन शर्मा जी ने बड़े शब्दों में कहा था कि जहाँ 40 पेटी पकड़नी चाहिए वहाँ 10 पेटी पकड़ते हैं, अब बीच में समझौता कर लेते हैं। राजेंद्र शर्मा भी उस पत्रकार वार्ता में था, उनका यह कहना है कि जो सामान जब्त होता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे कांग्रेस को, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पुलिस लेन देन करती है, उस लेन देन के विरोध में कि नहीं पूरी तरह से कांग्रेस का शराब बंद हो, इसलिए आज रीवा बंद का आह्वान किया। और सड़कों के अंदर हजारों हजार की संख्या में आम जनमानस और कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं। 8 दरिंदों ने मिलकर एक दरिंदगी की, उस मुद्दे को आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर नशा नशु भी कई चीजों को लेकर आप सड़क पर आज उतरे हुए हैं, क्या चाहते हैं कुछ किस तरह की सजा मिलनी? देखिए, दुष्कर्म किस वजह से हुआ? नशे में हुआ, कोरेस का नशा और शराब के नशे के कारण दुष्कर्म हुआ। तो हमारी दोनों मांगे हैं कि दुष्कर्म पीड़ित को जल्दी 45 दिनों के अंदर सजा मिले और ये कोरेस और शराब की जो अवैध बिक्री है, ये बंद हो। कहना है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो नशे के कारण हो रही है। रीवा जिले में नशे का जिस तरह से व्यापार चल रहा है, उससे युवा पीढ़ी उसकी चपेट में आ रही है। इसी के कारण एक गुड़ में अभी जो घटना हुई है, एक बड़ी घटना है, जिसको ये बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ 8 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, ये इस कारण को भी नशे का कारण ही माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर आज सड़क पर उतरी है और रीवा बंद का आह्वान कर रही है।
तीन दिन धरने पर बैठने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापारी भी समर्थन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि तीन दीपावली के बाद दो दिन दुकानें प्रतिष्ठानें बंद थी, और आज जब व्यापारियों को दुकान खोलना था उस दिन कांग्रेस पार्टी ने रीवा में जो ये बढ़ रहे अपराध हैं इनको रोकने के लिए और प्रशासन को जगाने के लिए बंद का आह्वान किया है और सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। आइए हम जानते हैं कि व्यापारियों की क्या मनसा है, व्यापारी इस संबंध में क्या सोचते हैं। भाई साहब, आप यहाँ जैसा कि दुकान खोलने आए थे, तो क्या मानते हैं कि आज जैसा कांग्रेस पार्टी ने रीवा बंद का आह्वान किया गया, क्या समर्थन करते हैं इस बात? इस चीज का जो गुड़ का कांड है, उसी चीज हम भी उस चीज का समर्थन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी हम लोग को थोड़ा व्यापार है, तो हम लोग बंद ही करवाया गया, तो इसलिए हम लोग बंद किए हैं। नुकसान तो होगा ही, 2-3 दिन ऑलरेडी नुकसान हुआ त्योहार की वजह से। आप रीवा के हैं? हाँ, रीवा के। जैसा कि आपको ये पता है कि रीवा में जिस तरह से नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके कारण कई अपराध है उसके मिले जुले अपराध पनप रहे हैं और आज भी महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आप मानते हैं इन सब पर रोक लगनी चाहिए? ये रुकना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। पहले बात, महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ जो हो रहा है, और इसी दरिंदों को मैं तो ये बोलता हूँ, चौराहे में खड़ा करके उनको सीधा फांसी दी जाए और कुछ नहीं इन लोगों के लिए, जैसे दरिंदे ये काम करते हैं। व्यापारियों का कहना है कि ऐसे दरिंदों को सीधे फांसी दे देनी चाहिए जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ कई सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी मैदान पर उतर चुकी है। विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और अलग अलग खंडों में कांग्रेस पार्टी और संगठन के लोग विभाजित होकर व्यापारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके बंद को सफल बनाने के लिए। आप भी एक व्यापारी है, क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, गुड़ में अभी जो घटना हुई, हाँ, और रीवा में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए? हाँ, लगनी चाहिए रोक। गुड़ की घटना आपने सुनी होगी? हाँ हाँ। क्या मानते हैं कि ये ऐसी घटनाएं क्या रीवा में बहुत शर्मनाक हो रही है, बहुत बहुत मतलब बेकार है, इसमें दुकानदारी बंद करनी चाहिए और सबको सहयोग देना चाहिए। सारे व्यापारी इस समर्थन में है कि जो अपराध है उन्हें रुकना चाहिए, भले ही व्यापार में फर्क पड़ता हो लेकिन अपराध रुकने चाहिए। आज आप लोगों ने आह्वान किया है, कई लोगों को लेकर महिलाएं भी आपके साथ हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का, क्या आप उद्देश्य? सबसे बड़ा है कि मानी नारियों के साथ जिस तरह से अपमानित कार्य घटित कार्य इस समय शहर के अंदर बहुत तेजी से फल फूल रहा है, और दूसरा है नशा, नशा जो पूरे रीवा के अंदर नौजवानों को बेरोजगारों को अपने चपेट में ले रहा है। ये दो मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आज लास्ट ये रीवा बंद का है, और रीवा बंद हम लोगों ने किया है कि नारी के साथ जिस तरह से अपमानित कार्य हो रहे हैं। अभी गुड़ में आपने देखा है, एक महिला के साथ में 8-8 लोग पति को बांध कर किस तरह से कृत्य किया, और नशा आप देख ही रहे हैं, जो नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का काम उनके पास नहीं है, और नशे के बेचारे आगोश में जा रहे हैं। यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है, हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 20 वर्ष से यहाँ पर हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, आज वो डिप्टी सीएम है रीवा के, वो मुख्यमंत्री है, क्यों नशा फैल रहा है, क्या उनके नजर में नहीं आ रही है? पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो क्या नशा हो सकता है बाजार के अंदर? नहीं हो सकता। आम आदमी, एक बाहर का आदमी, अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है, वो ढूंढ लेता है कि नशा कहाँ पे मिल रहा है, कोरस कहाँ पे मिल रहा है, दारू कहाँ पे मिल रहा है, और हाईटेक पुलिस हमारी नहीं ढूंढ पाती है। वजह यह है कि सारे सब कुछ मिलजुल कर कारोबार हो रहा है, शहर को बचाने के लिए नारियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी या रीवा बंद का आह्वान किया है, और इसके बाद अगर किसी प्रकार से हम लोगों को लगा कि इस पे कोई कार्रवाई या नहीं हो रही है, और ये जो कारोबार सब चल रहा है नशे का और नारी के सम्मान के खिलाफ चल रहा है, तो एक बड़ा आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया है नशे के विरुद्ध, नशे की पर रोकथाम के लिए, और महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ते मामलों को रोकने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का आह्वान किया है। तो पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए तेज खबर 24 के साथ। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।